डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम प्रोफेसर। प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं और इसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है और इसका प्रोसेस कैसा होता है, आइए देखते हैं। प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री करनी होती है विद 55% मार्क्स। परसेंटेज 55 से कम ना हो, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद में आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, नेट, स्लेट या फिर JRF, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट प्रोसेस से फॉर्म निकालती हैं, रिक्वायरमेंट निकालती हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेट में और स्लेट में ये डिफरेंस होता है कि नेट होता है नेशनल लेवल के किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, जबकि स्लेट में आप किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने जिस स्टेट के लिए स्लेट क्वालिफाई किया है ओनली उसी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसर बनने के लिए। अब अगर बात करते हैं, प्रोफेसर की तीन कैटेगरी होती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। जनरली वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर की निकलती हैं, उसके बाद में आप बन जाते हैं एसोसिएट प्रोफेसर और उसके कुछ एक्सपीरियंस के बाद आप बन जाते हैं प्रोफेसर। तो ये तीन कैटेगरी होती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। इन तीनों के इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।